नमस्कार, मैं रिद्धि, आप देख रहे हैं प्रदेश तक। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बमुश्किल अब 2 महीने का समय बचा है। ऐसे में प्रदेश की चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। नवंबर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एमपी दौरे पर पहुंचे। बीजेपी द्वारा राजधानी के जमुरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चिर परिचित शैली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उनके मन में जोश भरा और चुन चुन कर विपक्षी दलों पर प्रहार किया। कांग्रेस नेताओं के लिए गरीब का जीवन एक एडवेंचर टूरिज्म है। कांग्रेस के नेताओं के लिए गरीब की बस्ती पिकनिक मनाने का, वीडियो शूटिंग कराने का लोकेशन बन गई है। कांग्रेस के लिए गरीब किसान का खेत फोटो सेशन का मैदान बन गया है। इन्होंने अतीत में भी यही काम किया। देश विदेश के अपने दोस्तों में इन्होंने भारत की गरीबी का मखौल उड़ाया। बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को जीत का महामंत्र देते हुए कहा, मोदी यानी बीजेपी की हर गारंटी पूरे होने की पक्की गारंटी, लेकिन कांग्रेस मतलब बर्बादी। जहां जहां कांग्रेस गई है उस राज की बर्बादी हो गई है। अब तो कांग्रेस जंग लगा हुआ लोहा हो गई है जो बारिश के पड़े पड़े खत्म होने की कगार पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास भविष्य की कोई सोच नहीं है। अगर इन्हें मौका मिला तो कांग्रेस एक बार फिर मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना देगी। पीएम ने एमपी की जनता से पूछा कि आप चाहते हैं कि एमपी का पैसा लूट लिया जाए। पीएम मोदी ने कहा, भारत कोई भी उपलब्धि हासिल करे कांग्रेस को पसंद नहीं आता। कांग्रेस देश को 20वीं शताब्दी में लेकर जाना चाहती है। अब कांग्रेस में ना देखने का सामर्थ्य है, ना देश और देश की जनता को समझने का सामर्थ्य है। इसलिए आपने देखा होगा कि वह विकसित भारत से हर जुड़े प्रोजेक्ट की आलोचना करती है। कांग्रेस पार्टी को अब उसके नेता नहीं चला रहे हैं, बल्कि अब कांग्रेस का ठेका कुछ अरबन नक्सलियों के पास है। भोपाल जमुरी मैदान में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि ये जनसैलाब, ये उमंग, ये उत्साह, ये कार्यकर्ताओं का महाकुंभ, महासंकल्प बहुत कुछ कहता है। ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश की जनता के मन में क्या है। उन्होंने आगे कहा कि मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है और देश के दिल के साथ हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का कुछ विशेष जुड़ाव रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के शासन की पहचान कुनीति थी। कांग्रेस के वर्षों के कार्यकाल में केवल कुशासन, करोड़ों का भ्रष्टाचार था। उन्होंने साधन संपन्न मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ता महाकुंभ के जरिए बीजेपी के चुनाव अभियान का शंखनाद किया। पीएम मोदी और सीएम शिवराज खुली जीप में सवार होकर कार्यकर्ता महाकुंभ में पहुंचे और बीजेपी के दावों के अनुसार प्रदेश भर से आए 10 लाख कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम ने अपने भाषण में खास तौर पर युवा और महिला मतदाताओं पर फोकस करते हुए उन्हें विपक्षी दलों की स्वार्थ की सियासत से आगाह करने की नसीहत दी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए प्रदेश तक .com पर विजिट करें।